करेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, दादर साहब डीजीपी अमित कुमार जी, एसीएसओ अखिल अरोड़ा जी और कुलदीप नाका जी, यहाँ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और जितने हमारे धर्म गुरु जुड़े हुए हैं सभी जगह से अधिकारीगण, भाई और बहनों, मेरी खुशी है कि आज एक विशेष मकसद से आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और जो सुझाव दिए हैं धर्मगुरुओं ने और कैलाश मैन जी ने कहा कि ऐसी मीटिंग आप छोटे मंदिरों के लिए भी करें। मैं समझता हूँ कि ये सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव है क्योंकि मंदिरों की जो अभी मैंने सुनी है जो सुझाव दिए मंदिरों के महंत ने, उनसे कई बातें मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग मेला प्राधिकरण बनाए इसलिए है कि मेला प्राधिकरण का काम ये होगा कि तमाम मंदिर के मैनेजमेंट के साथ में लगातार संपर्क करें, क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं उनकी है, मेहनतों की, पुजारियों की, वो कैसे पूरी हो और सरकार खुद क्या सोचती है मंदिरों के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार का दखल कम से कम हो, परंतु मैनेजमेंट जो है वो चाहे उनके सुरक्षा गार्ड खुद के हैं लगे हुए हैं, चाहे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हो कि जिससे आए दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको लगे कि राजस्थान में अगर गए हम लोग तो वहाँ पर व्यवस्थित हमें दर्शन करने का लाभ मिला। उसमें अगर वो धक्के खाते रहे वहाँ पर और असुविधाएं हो, पीने के पानी का पता नहीं, सुविधाएं जो होती है मनुष्यों के लिए उनका पता नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है आदमी। हम चाहेंगे राजस्थान एक ऐसा डेस्टिनेशन बने, टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास धन की कमी नहीं है। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो प्रोविजन किया इस बार, पहले 500 करोड़ था, 1000 करोड़ कर दिया, उसमें धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अकाउंट में जहाँ जहाँ आप उपयुक्त समझते हैं कि यहाँ हमें सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे पेयजल की बात है, सीवरेज की बात है, कोई बस स्टैंड की बात है और भी आधारभूत संरचना हो सकती है वहाँ पर, ये तमाम जो आज जुड़े हुए साथी हमारे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं उन सब से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपना नोट बना करके मेला प्राधिकरण को भेज दें, डिपार्टमेंट को भेज दें। हम चाहेंगे कि योजना में तरीके से कैसे विकास हो, जिला प्रशासन से क्या समस्याएं हैं या उनका क्या आप सहयोग चाहते हैं, जिला प्रशासन आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसका भी आप ध्यान रखें। अगर कई बार प्रबंधक जो है वो जिला प्रशासन की बात को सुनते नहीं है, उसके कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपका मेला प्राधिकरण हो, उसके साथ में आपके जो जो धार्मिक स्थल है उनके जो प्रबंधक है, उन सब ने अगर बराबर लगातार मीटिंग कर ली। एक सुझाव आया था कि जब कोई मेला भरता है या यारिन आते हैं अजमेर के अंदर तो 2 महीने पहले मीटिंग करता जिला प्रशासन, इसकी बजाय साल भर में मैं समझता हूँ 3-4 बार मिले आपस के अंदर, क्या क्या सुविधाएं हो रही है, असुविधाएं हो रही है वो तब डिस्कस करें आपस के अंदर और उसके अकॉर्डिंग टू हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से सहयोग मिल सकता है। कई एनक्रोचमेंट की स्थिति आपने बताई, बहुत बड़ी समस्या होती है, कई जगह कम पड़ रही है, बहुत ठीक कहा आपने, और कोरोना के बाद में तो श्रद्धालुओं की मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ पड़ने लग गई है सब मंदिरों के अंदर, उसके कारण भी सारा मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, जो उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा
सजाते वहां पर, इतनी व्यवस्था बिगड़ भी गई है, उस कारण भी बिगड़ी हुई कई जगह। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के अंदर भी धर्म गुरुओं को हमने साथ लिया, सभी प्रदेशवासी साथ रहे, तो राजस्थान का नाम मान सम्मान बड़ा देश के अंदर, टूरिस्ट की संख्या बढ़ी राजस्थान के अंदर, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लग गया राजस्थान के अंदर। सारे हमारे होटल्स ट्रेवल एजेंट सब लोग बिजी हो गए हैं, तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग ये जो धार्मिक गुरु बैठे हुए हैं, ये अपने अपनी समस्याएं आपने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि सबको पूरी तरह ज्ञान है कि क्या क्या समस्याओं से हम ग्रसित हैं। मैं समझता हूँ कि सड़कों की बात बताई गई आपने, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, छोटे मंदिर की बात की गई, तो ये तमाम जो है ये सब संभव है। समय पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सरकार और स्थानीय प्रशासन आप लोग मिलकर के जो कहेंगे उसके हिसाब से हम चाहेंगे कि वो सब तमाम व्यवस्था हो और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेला प्राधिकरण जो है बना है अभी, और उसका काम भी कोऑर्डिनेट करने का रहेगा। वैसे तो देवस्थान विभाग कर ही रहा है काम, पर मेला प्राधिकरण का काम सिर्फ समस्याएं क्या है, कैसे हल हो सकती है, उस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये आप निश्चिंत रहें। और उसी रूप में हम तो चाहते हैं आने वाले वक्त में ऐसा कोई एक्ट बन जाए जिससे कि आपको सुविधा हो, दर्शनार्थी आते हैं उनको सुविधा हो, उसमें भी आपके सुझाव हो कि कोई एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, एक्ट बने तो क्या एक्ट बने, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये तमाम बातें आप जो है हमें बता सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर मेलों की अलग संस्कृति है, अलग परंपराएं हैं, और धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र भी यही है। इसलिए आप देखते हैं कोई पदयात्री आते हैं, रामदेरा मेला है मध्य प्रदेश लगा के, गुजरात लगा के, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने लोग आते होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो मेलों का महत्व है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विभिन्न स्तर पर बहुत ही पॉपुलर मेले लगते हैं और आज तक केंद्र ऐसे बने हुए हैं कि हमें आगे बढ़ के उनको सुविधा देनी चाहिए, और उसमें तभी संभव है जब मेला कमेटी भी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्राधिकरण सब मिलकर के आप बातचीत करें। मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं चाहूँगा कि एक बार चाहे आप लोग जाएंगे तो फिजिकल मीटिंग कर लेंगे हम लोग महीने दो महीने के बाद में, जिसमें कि रूप रूप बैठ के बात भी कर सकें। उसके पहले आपसे मैं निवेदन करूँगा, आपकी जानकारी में जो छोटे मंदिर हों और जहाँ सुविधाएँ असुविधाएँ हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धार्मिक स्थल है वो खुद लोकप्रिय है। तो छोटे मंदिर की बात कैलाश जी ने उठाई है, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप देखें कि किस प्रकार से उनको हम लोग जोड़ सकें, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वापस, और संभव हुआ तो बुला के बात करेंगे, वो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पर इनमें कोई साधनों की धन की कमी नहीं आएगी। हमने धार्मिक टूरिज्म के नाम पर जो प्रोविजन किया है उसका उपयोग करेंगे, और तमाम धार्मिक स्थल इस प्रकार सुंदर बने, अच्छी सड़कें हो, अच्छी सुविधाएं हो, सिक्योरिटी पूरी हो वहां पर, इस लेवल का अगर हम लोग काम करेंगे। दक्षिण के मंदिर के देखते हैं हम लोग, तिरुपति की तरह व्यवस्थित है वहां पर, यहाँ पे भी कई व्यवस्थित मंदिर है। तो ये तमाम काम हमें करने जिससे कि धार्मिक टूरिज्म बढ़े राजस्थान के अंदर, और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, मेरी भावना है। ये बात कहता हूँ मैं आपको, जो निर्देश जारी किए गए हैं और किए जाएंगे उसको आप फॉलो करें साथ के अंदर। होम मिनिस्ट्री ने किए मेरे ख्याल से, टूरिज्म ने किए हैं, टूरिज्म ने निर्देश जारी कर दिए हैं और भी करेंगे कुछ निर्देशारी की शिकायतें की। जो भी निर्देश जारी मेलों के लिए हुए हैं वो पहुंच गए होंगे आपके पास में, उसको आप जरा स्टडी कर लें और फिर हमें सुझाव दें हम क्या कर सकते हैं।
सुरक्षा भी बहुत आहिस्ते की, श्रद्धालुओं की जेबें कट जाती है, कभी कोई घटना हो जाती है। और जो घटना खाटू श्याम जी में हुई है वो पहले मेहरानगढ़ फोर्ट पे हुई थी, 216 बच्चे मर गए। अब तो आज भी हम लोग जब याद करते हैं तो एकदम मन में पता नहीं कैसा भाव पैदा होते हैं। 216 बच्चे एक साथ में, हिमाचल में ऐसी घटनाएं हुई बड़ी बड़ी, कई राज्यों में हो जाती है। हम चाहेंगे राजस्थान इसमें सिरमौर बने आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, और जो आप चाहोगे वो मिलेगा आपको। जो तक आप प्लानिंग करके बताए कहाँ जमीन की आवश्यकता हो रहा है, आपने कहा था खाटू श्याम जी के लिए जगह कम पड़ रही है, वहाँ जगह बढ़ाएंगे, अलॉटमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर तमाम जगह इतने धार्मिक आस्था के केंद्र राजस्थान में जो है वो बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित हो। पूरे देश के टूरिज्म, जो चाहे धार्मिक टूरिज्म वाले हों चाहे सिविल हो, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करे सरकार का दृढ़ निश्चय है। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं भूल नहीं सकता कोरोना के अंदर जो आपने भूमिका अदा करी उसको हम लोग हमेशा याद करते हैं, और उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। प्रदेश में मेले और त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने अहम बैठक ली, और एक महत्वपूर्ण बात इस दौरान उन्होंने कही कि सरकार भी नहीं चाहती कि मंदिरों में कम से कम दखलअंदाजी सरकार करे, सरकार का मानस है, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो ये भी प्रतिबद्ध और सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। ये बैठक जिसमें कई छोटे मंदिरों के पुजारी भी जुड़े, कई बड़े मंदिरों के महंत भी जुड़े, उन्होंने अपने अपने सुझाव यहाँ पर इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष रखे।